हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम विंडोज पीसी के अंदर कैशे फाइल्स को क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम जो है अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इनक्रीज करते हैं सिंपल से कैशे फाइल्स को क्लियर करके। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हमें जो है कैशे फाइल्स को क्लियर करना है विंडोज कंप्यूटर के अंदर। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मिस्टर बॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट में आना है और यहाँ पे सर्च करना है क्लीन mgr.exe, ठीक है, CLEANMGR, ठीक है, .exe इस फाइल को आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। बहुत सारे एडिशंस में फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च में सर्च रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर आपके में देखने को मिलता है तो अच्छा बात है, अगर नहीं देखने को मिलता तो उसके लिए आपको सिंपली माय कंप्यूटर पे जाना है, सी ड्राइव पे राइट क्लिक करना है और आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर डिस्क क्लीनर का ऑप्शन जो है यहाँ देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक कुछ टाइम के लिए लोड ले सकता है, ठीक है, किसी के कंप्यूटर में कम टाइम भी लेगा और किसी के कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। तो जितना टाइम ये लेगा उतना आप इसको लेने दीजिए, ठीक है। जब ये वाला सेक्शन आपके पास ओपन हो जाए तब यहाँ पे आपको कुछ जगह चेक करना है। डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स में मेरे को यहाँ पर चेक करना है, टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स पर मेरे को चेक करना है, ठीक है, ऑफलाइन वेब पेजेस पर मेरे को यहाँ पर चेक करना है, और सिंपली आप अगर रिसाइकल बिन पे अगर इसमें कोई डेटा नहीं है तो रहने दीजिए, अगर डेटा है तो यहाँ पे चेक कर दीजिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं पड़ा, अगर आप उसको रिस्टोर करना नहीं चाहते तब। इसके बाद आपको यहाँ पे टेम्प्रेरी फाइल्स देखने को मिलेगी, जैसे 2.78 GB यहाँ पे शो कर रहा है और थंबनेल वाला ये जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर दीजिए, ठीक है। इन सबको चेक करने के बाद आपको जो है सिंपली ओके पे प्रेस करना है। आपके पास यहाँ पॉपअप विंडो ओपन होगा, डिलीट फाइल्स और कैंसिल देखने को मिलेगा, आपको डिलीट फाइल्स पे क्लिक करना है। डिलीट फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपने जिस जिस चीज़ों पे चेक किए थे ऑप्शंस पे उन सभी को ये क्लीन कर देगा। तो देखिए यहाँ पे अब टेम्प्रेरी फाइल्स आ रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे जो है जिन जिन ऑप्शंस पे हमने चेक किए थे उन सभी को ये जो है क्लीन कर देगा। क्लीन करने के बाद जो है फ्रेंड्स आप अपने कंप्यूटर को जो है एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा। रिस्टार्ट करने के बाद आप टोटल आप ये खुद ही देखिएगा, आपको खुद ही इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आपका कंप्यूटर जो है पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा जो है वर्क कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कब तक कंप्लीट होता है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा डेटा जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका है, तो अब यहाँ पे आपको जो है बस ओके पे प्रेस कर देना है। अब आपको जो है अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट कर देना है। ये तो फ्रेंड्स हमने अभी सी ड्राइव का किया था और मैक्सिमम जो है डेटा हमारा सी ड्राइव के अंदर ही होता है ऐसा। अगर आपने किसी और ड्राइव में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो उस केस में भी आप जो है उस ड्राइव पे प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से क्लीन अप कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने जो है क्लीन अप कर लिया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मिस्टर बॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।